भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल और सत्ताधारी दल के 136 प्रत्याशी अभी घोषित हो चुके हैं, लेकिन प्रत्याशियों के घोषित होने के बाद विरोध के स्वर नहीं थमते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे आप ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें देखेंगे, बड़ी संख्या में यहाँ पर मऊगंज से लोग पहुंचे हुए हैं, जनता है, कार्यकर्ता है, और बड़ी संख्या में अपनी ही पार्टी कार्यालय में अपनी ही पार्टी के खिलाफ यहाँ पर थोड़ी नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मांगों को लेकर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मऊगंज से भी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और जो सिटिंग एमएलए थे प्रदीप पटेल, उनको 12 से टिकट दिया गया है। बातचीत करेंगे, क्या नाराजगी है भैया, क्या कुछ हो गया अचानक से अपनी पार्टी के खिलाफ आप लोग यहाँ पर आके खड़े हो गए, नाराजगी क्या है? मेरा नाम दीनू दुबे है, मैं मऊगंज विधानसभा 71 से आया हूँ। हमारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी नाराजगी सिर्फ कैंडिडेट से है। जो वर्तमान में कैंडिडेट का चयन किया गया है, हमारी नाराजगी उनसी है। हम चाहते हैं, हमारी मऊगंज की जनता चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की मऊगंज के कार्यकर्ता चाहते हैं कि क्षेत्रीय नेता हो, क्षेत्रीय कैंडिडेट हो, जो हमारे दुख और सुख में शामिल हो। दूसरी चीज, जो मऊगंज में वर्तमान में विधायक हैं माननीय प्रदीप पटेल जी, हिंदू विरोधी हैं, सनातनी विरोधी हैं, मतलब आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, वो प्रभु श्री राम को लेके जो आज पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डंका पिट रहा है विश्व में, किसके लिए? श्री राम के लिए। वो हमारा विधायक जो मऊगंज को मऊगंज में टिकट दिया गया, ये देखिए, रामायण को, रामायण जैसी चीज को माचिस मार के जला दिया गया, तुलसी जिसकी हम हिंदुओं पूजा करते हैं उसमें पेशाब कर दिया गया, और प्रभु श्री राम को गलत टिप्पणी दिया गया कि वो तो बिल्कुल नीच है, ये फालतू है, ये है, वो है, इसमें ये उनकी किताब है, उनकी गंभीर आरोप और लगा रहे हैं आप, ठीक है, सनातनी होने का आप ये जो कह रहे हैं विरोधी हैं, इसके अलावा क्या परेशानी है? और दूसरी चीज ये भी है कि अगर प्रदीप पटेल, अब तो देखिए प्रत्याशी घोषित हो चुके, पार्टी शायद नहीं हटाएगी उनको, तो क्या आप लोग इसका विरोध करेंगे और वोट नहीं देंगे चुनावों में? देखिए, पहली बात, हमारी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारी नाराजगी प्रदीप पटेल से है। क्षेत्र में कहीं जाना नहीं है, अगर आप क्षेत्र में नहीं जाओगे तो जो जिनको दुख सुख में कैसे आप भाग लोगे? आपको कोई जान नहीं रहा है, कुछ काम नहीं हुआ, मीडिया के माध्यम से करना चाहता हूँ, आप लोग सर्वे कर लो, आप लोग देख लो वहाँ पर क्या काम हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। हमें किसी ने बुलाया नहीं, हमें किसी ने भेजा नहीं, हम चंदा लगा के यहाँ पर आए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से वोट नहीं देंगे अगर प्रदीप पटेल जो है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हम प्रदीप पटेल के साथ में नहीं है तो वोट देने का सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, हम लोग जितने भी मऊगंज के हैं, हम नोटा एक्सेप्ट कर लेंगे पर प्रदीप पटेल के एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप भी वोट नहीं देंगे प्रदीप? हम भी नहीं करेंगे वोटिंग, अगर प्रदीप पटेल का प्रत्याशी नहीं बदला गया तो मैं बीजेपी को वोटिंग नहीं करूंगा, नोटा में दबा दूं या आधार में दे दूंगा, लेकिन प्रदीप पटेल को वोट नहीं दूंगा। तो एक मुझे एक और चीज आपसे जानना चाहिए, क्या आप कार्यकर्ता है बीजेपी? बीजेपी कार्यकर्ता है। क्या कोई सामंजस्य नहीं है प्रदीप पटेल का आप लोगों से? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने 5 साल में न तो किसी कार्यकर्ता से मिला, न किसी के दुख सुख में गया। इंसान, हम लोग विधायक किस लिए बुलाते हैं, बनाते हैं, वोट हम दिए, पर वो क्षेत्र के नहीं निकले, निकले कहाँ के, बाहर के। हम लोग किस लिए चयन करते हैं, वोट हम दे मजा मारे कोई और, मेहनत हम करें मजा मारे कोई और, जाके पब्लिक में वोट हाथ जोड़े हम मजा मारे कोई और, जूता खाए हम और कुर्सी में बैठे कोई और। तो हमारा क्षेत्र का किसको बनाना चाहते हैं फिर वहाँ पे? क्षेत्रीय नेता कोई भी हो, कोई नाम है आपके पास? हमारा कोई नाम नहीं है, क्षेत्र का हो, जुझारू हो, दोबारा सर्वे करा लिया जाए, संशोधन हो, हम उनका सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, जितना हो सकेगा जान लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ तौर पर एक बात कह दी है कि हम जरूर जो है बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन जब तक प्रदीप पटेल को प्रत्याशी बनाकर रखा जाएगा वो वोट नहीं देंगे। आप लोग कहाँ से आए? मैतपुर। आप लोगों का भी कोई विरोध है क्योंकि आपकी पार्टी? बहादुर सिंह चौहान है, उसके हमारे सब कार्यकर्ता परेशान है और उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, और उसके खिलाफ जन आशीर्वाद यात्रा जो निकली थी वहाँ पे कम से कम 7-8 हज़ार लोगों ने नारेबाजी करी थी यात्रा के सामने ही, तो सारी रिपोर्ट उसको पता चल गई संगठन को। अब अपन भी टिकट मांग रहे हैं, मेरा नाम उमराव सिंह चौहान है और मैं चौथी बार मांग रहा हूँ, और कुछ
आरा समझ में आपके पार्टी विचार कर सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं विरोध के स्वर लगातार बीजेपी कार्यालय में देखने को मिल रहे हैं, और खासतौर से मऊगंज से जो मौजूदा विधायक है प्रदीप पटेल, जिनको दोबारा से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अब यहाँ पर एक बड़ा हम कह सकते हैं दल जो है वो खड़ा हो गया है और चाहते हैं कि उनको टिकट ना मिले। हालांकि अभी देखना होगा कि बीजेपी को ये जो तमाम विरोधी स्वर हैं वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं आगामी समय में, क्योंकि चुनाव में मात्र एक महीने का वक्त बाकी है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी।